Hello students, this is your teacher Deeksha. Today we are going to start a new unit, that is unit 5, Wet in the Forest. In this chapter we are going to see about a vet here refers to the veterinary doctor. Okay, veterinary doctors bacha kaun hote hain? You guys know very well, veterinary doctors jo animals doctor hote hain, they are called as the veterinary doctor. हिंदी में इन्हें बोलते हैं पशु चिकित्सक. तो वेट इन द फॉरेस्ट मीन्स वेटरनरी डॉक्टर जंगल में. ठीक है, तो द टाइटल्स टेल अस दैट देयर मस्ट बी अ एनिमल, एक एनिमल होना चाहिए वहाँ पे एंड अ डॉक्टर. दीज आर द कंपलसेशंस, राइट. एन एनिमल है फॉरेस्ट के अंदर है वो, तो दैट मस्ट बी द वाइल्ड एनिमल. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू सी द यूनिट 5 वेट इन द फॉरेस्ट. लेट जस्ट सी फर्स्ट अबाउट द ऑथर. द ऑथर इज धृति के लहरी चौधरी. सो द ऑथर टेल अस बिफोर वी आर गोइंग थ्रू द चैप्टर वी जस्ट लर्न नो अबाउट द ऑथर. ठीक है, सो द लहरी चौधरी वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश. ये एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे एंड एन एलिफेंट एक्सपर्ट, और एक एलिफेंट के एक्सपर्ट भी थे. ही जर्नीड ओवर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया में ये इन्होंने कई सारी यात्राएं की थी, हजारों माइल्स की यात्राएं की थी. कहाँ पर? जंगलों में. स्टडिंग एलिफेंट्स के बारे में इन्होंने पढ़ा. ही रॉट इन बोथ इंग्लिश एंड बंगाली. इन्होंने इंग्लिश और बंगाली में कई सारे कार्य किए, मतलब कई सारी किताबें लिखी. एंड पब्लिश्ड डिफरेंट बुक्स ऑन एलिफेंट्स, और इन्होंने अलग अलग किताबें एलिफेंट्स के ऊपर पब्लिश की, प्रकाशित की. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एलिफेंट्स एज वी आर गोइंग टू रीड अ राइटिंग ऑफ द धृति के लहरी चौधरी. ही ऑलवेज रीड अबाउट द एनिमल्स. And in the animal, elephant is his maybe favorite one. So he knows about the elephant much and much. So we are going to see the chapter without any further delay. And this story begins in March 1991. In March 1991, the East Medinipur Forest Division in West Bengal sought the help of the wildlife wing of the forest department. ठीक है, तो मार्च 1991 में जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ विंग जो है उन्होंने एक हेल्प मांगी. ठीक है, सॉट, सीक का सेकंड फॉर्म है, याद रखना सीक. ठीक है, जो ढूंढना होता है. ठीक है, सीक का सेकंड फॉर्म. एंड कहाँ से? वेस्ट बंगाल में, ईस्ट मदिनीपुर फॉरेस्ट डिवीज़न में. ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या है, किस चीज़ को लेकर की हेल्प मांगी गई है? लेट जस्ट सी. A young elephant accompanied by a herd of more than 50 elephants, ठीक है, was injured and could not walk well. एक छोटा हाथी था, हाथी छोटा का मतलब है बच्चा ही था. एक चीज़ याद रखेंगे बच्चा, कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें कभी भी एक बड़ा हाथी नहीं होता है. जैसे ही हाथी बड़ा होता है, मेल होता है जो, ठीक है, मेल बड़ा हाथी हो जाता है जब, तो वो उस झुंड को छोड़ देता है. सिर्फ एक हाथी के झुंड में जो फीमेल, जिन्हें हम हिंदी में हथिनी बोलते हैं, वो होती है और उनके बच्चे होते हैं. ठीक है, सो क्या होता है कि एक यंग एलिफेंट, एक हाथी का छोटा बच्चा था, ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा. ठीक है, अकम्पनीड बाई हर्ड, वो अपने झुंड के साथ में था, ऑफ मोर देन, जिस झुंड में 50 से भी ज़्यादा एलिफेंट्स थे. और वो जो छोटा हाथी का बच्चा था वॉज इंजर्ड, वो चोटिल था. ठीक है, उसको चोट लगी हुई थी, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था. जितने भी अटेम्प्ट किए गए उसको उसके झुंड से अलग करने के, ड्राइव अवे, मतलब उस हर्ड से ड्राइव अवे करने के लिए, मतलब उस हर्ड से अलग करने के लिए, उस झुंड से अलग करने के लिए, वो सारे असफल रहे. जैसे ही जो हर्ड था, आफ्टर बींग ड्राइवन अवे, उसको जैसे ही अलग कर लिया जाता था, वो हमेशा वापस आते थे और उसको बचा करके ले जाते थे. देयर इंजर्ड टीम मेट हु वॉज लैगिंग बिहाइंड, जब वो पीछे रह जाता था, तो क्या होता था कि ये जो यंग हाथी था, ठीक है, ये छोटा हाथी था,
वो जब भी पीछे रह जाता था, जब उसको मतलब अलग किया जाता था, सेपरेट करने की कोशिश की जाती थी, तो उसको सेपरेट कर लिया जाता था। लेकिन बाकी के जो टीममेट्स उसके मतलब झुंड के और लोग थे, वो लोग क्या करते, वो हाथी देखते कि अरे ये पीछे रह गया, एंड वो उसको वापस लेने आ जाते और अपने साथ लेके चले जाते थे। ठीक, आगे क्या होता है, वी अराइव्ड एट द रेस्ट हाउस। नाउ अब ये स्टोरी बिगिंस होती है, ये बता दिया गया कि अभी इस हाथी को क्या करना है, इस हाथी को बचाना था, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत तेज़ी से चोट लगी हुई थी। अभी क्या होना, ये जो स्टोरी है, यहाँ पे जो नैरेटर है वो कौन है, एक एक्स्ट्रा पर्सन होता है ना एक टीम में, ही इज़ दैट वन, ठीक है। तो नैरेटर कहते हैं वी, वी मतलब नैरेटर और उनकी टीम। अराइव द रेस्ट हाउस ऑफ विष्णुपुर फॉरेस्ट, कहाँ पर पहुँच गए थे वो, विष्णुपुर फॉरेस्ट में पहुँच गए थे, वहाँ के रेस्ट हाउस में पहुँच चुके थे, ठीक है। देयर वर थ्री ऑफ अस, हम तीन थे, कौन कौन, एक SED, ठीक है, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे स्टेट के, दूसरा सुब्रता चौधरी, ये ऑफिसर स्पेशलाइजेस थे ट्रैंकलाइजिंग एनिमल। ट्रैंकलाइजिंग क्या होता है, ट्रैंकलाइजिंग ये होता है कि मेकिंग, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, मेकिंग अ पर्सन और एन एनिमल काम और अनकॉन्शियस बाय गिविंग देम अ ड्रग, दवाई दे करके उनको बेहोश करना, ठीक है। तो ट्रैंकलाइजिंग एनिमल में एक्सपर्ट थे वो कौन थे, सुब्रता चौधरी थे, ये कौन थे या थी, लेट वी सी, एंड आई अ हैंगर ऑन, और मैं एक हैंगर ऑन। हैंगर ऑन क्या होता है, हैंगर ऑन इज़ ए पर्सन हु फॉलोज अदर्स इन अ ग्रुप विदाउट हैविंग एनी पर्टिकुलर पार्ट टू प्ले। हैंगर ऑन का कोई काम नहीं होता, ये बस एक एक्स्ट्रा मेंबर होता है ग्रुप में, जो इसको कभी भी ज़रूरत, मतलब किसी की वो कोई भी काम करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, एन एक्स्ट्रा मेंबर, ठीक है। तो दीज आर थ्री, ये तीन थे जो कि बिष्णुपुर फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में पहुँच चुके थे। एक कौन था, SED जो कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे, एक ट्रैंकलाइजिंग में स्पेशल सुब्रता चौधरी, और एक ये नैरेटर खुद। तो आगे ये कहते हैं, इट वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबली हॉट। अनकम्फर्टेबली हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, असहनीय गर्मी हो रही थी। दो इट वॉज ओनली द मिडल ऑफ द मार्च, जबकि सिर्फ महीना कौन सा था, मार्च का मिडल था, ठीक है। द हर्ड एंड द इंजर्ड एलिफेंट वर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो झुंड था और जिसमें एलिफेंट था, इंजर्ड एलिफेंट था, वो क्या कर रहे थे, भी निरंतर चलते जा रहे थे। हैंस द लोकल फॉरेस्ट स्टाफ कुड गिव अस नो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स करेंट लोकेशन। इस वजह से जो लोकल स्टाफ था वहाँ का, वो उन्हें कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था कि वे लोग अभी किस लोकेशन पर हैं, उनका जो झुंड है हाथियों का वो किस लोकेशन पर है। We had just decided to inquire among the villagers when a young man belonging to one of the local tribes approaching us and said he knew where the injured elephant was. तो यहाँ पर नैरेटर कह रहे हैं कि हम सब ने जैसे ही डिसाइड किया कि हम उसके बारे में पूछताछ करेंगे जो विलेजर्स हैं उनसे, तभी एक जो एक जवान आदमी था वो निकल कर के आया, जो कि लोकल ट्राइब से ही बिलोंग करता था, वो हम तक पहुँचा, ठीक है, अप्रोचेस वो हम तक आ पहुँचा, एंड सैड, और उसने कहा कि वह जानता है कि जो इंजर्ड एलिफेंट है वो कहाँ पर था। एज द एनिमल वॉज अनेबल टू मूव मच, जैसे कि जो एनिमल है वो ज़्यादा नहीं चल पा रहा था, तो यंग मैन ने क्या किया था, उसने कुछ ब्रांचेस को कट किया पेड़ की और उसको खिलाया, ठीक है। इट एवरी डे, हर दिन, वी वर एनॉर्मसली इम्प्रेस्ड, हम सब एकदम मतलब अद्भुत तरीके से ही उससे खुश हो गए, इम्प्रेस हो गए थे, ठीक है। इट वॉज एन एरिया दैट वॉज रेगुलरली रेविस्ड बाई वाइल्ड एनिफेंट, ये वो एरिया था जो कि निरंतर नॉर्मली रेगुलरली क्या क्या किया जाता था, तहस नहस कर दिया जाता था। रेविस्ड मतलब डैमेज और डिस्ट्रॉयड, बर्बाद कर दिया गया था उन्हीं वाइल्ड एलिफेंट्स के द्वारा, ठीक है। तो ड्यूरिंग दी क्रॉप सीजन, जब क्रॉप सीजन होता था तो यही वाइल्ड एनिमल आकर के पूरी की पूरी फसल को ख़राब कर देते थे। फिर भी इस इंसान ने इतना सब कुछ सहने के बाद भी उस एनिमल को खिलाया, दैट्स रियली अ क्वाइट इम्प्रेसिबल थिंग, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, द वंस टू सफर द मोस्ट, वे लोग जो सबसे ज़्यादा इससे जूझे थे वर द ट्राइबल पीपल, कौन थे वे, ट्राइबल पीपल थे, विद देयर स्मॉल प्लॉट्स, उनके छोटे छोटे प्लॉट्स थे लैंड के, मतलब छोटे से ही उनके खेत थे, एंड येट, और फिर भी उन्होंने, उस यंग मैन ने क्या किया, उस इंजर्ड एनिमल की देखभाल की। सो वी डिसाइडेड टू ट्रैक द
ट्रैक द सॉरी बीस्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग. ट्रैक द बीस्ट किसको बोला जा रहा है यहाँ पे, बीस्ट बोला जा रहा है उस एनिमल को, उस हाथी को ही. ठीक है, तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, उसको कल सुबह मॉर्निंग में ट्रैक करेंगे. ठीक, उसका पीछा करेंगे. आवर टीम वॉज नाउ जॉइंड बाई ए वेटरनरी ऑफिसर. अब हमारी टीम में एक वेटरनरी ऑफिसर भी आ चुका था, मतलब पहले तीन थे, नाउ दे आर फोर इन नंबर, हु हैड नो प्रीवियस एक्सपीरियंस. अब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो हमारे वेटरनरी ऑफिसर आया था, इसको कोई एक्सपीरियंस पहले नहीं था ट्रीटिंग इंजर्ड एलिफेंट्स, इंजर्ड एलिफेंट्स को ट्रीट करने में, चाहे वो पालतू टेम हो, टेम मतलब पालतू, या फिर वाइल्ड हो. द विलेजर्स रिपोर्ट्स सेड दैट एलिफेंट हैड एन इंजरी इन वन ऑफ द फ्रंट लेग. जो विलेजर्स ने जैसा कि बताया था हमें, तो उसमें क्या था कि जो एलिफेंट है, जो हाथी है, उसको जो चोट लगी है वो कहाँ है, आगे वाली जो लेग्स हैं उनमें से एक लेग में उसको चोट है. टेकिंग इवन वन स्टेप वॉज एगोनी फॉर द एनिमल. और यहाँ उन्होंने बताया कि बस उसके लिए एक स्टेप लेना भी इतना ज़्यादा पेनफुल था, एगोनी मतलब ग्रेट पेन, उसको इतना पेन हो रहा था एनिमल को, बहुत ज़्यादा. ठीक है, द नेक्स्ट डे आवर जीप बम्प्ड अक्रॉस फॉरेस्ट ट्रैक्स एंड फील्ड्स टू द स्पॉट. अगले दिन हमारी जो जीप है वो पूरे जंगलों के रास्ते से होते हुए, पूरे खेतों से होते हुए, वेयर वी फाउंड दैट ग्रुप ऑफ एंथुसियास्टिक यंग मैन हैड ऑलरेडी गैदर्ड. ठीक है, और जैसे ही हम लोग उस वहाँ से निकल के जा रहे थे फील्ड्स में, हमने क्या देखा वहाँ पर कि यंग मैंस जो थे वो ऑलरेडी एंथुसियास्टिक, बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, वहाँ पर इकट्ठे हो रखे थे, आ रहे थे कि हाँ इंजर्ड एनिमल वहाँ पर है, इसका मतलब दे फाउंड द इंजर्ड एनिमल. ठीक, ऑल राइट दे सैड, उन्होंने कहा ठीक है, बट इट वॉज इन द मिडल ऑफ द हर्ड, वो लेकिन झुंड के बीचों बीच में है. इट वुड बी इम्पॉसिबल टू सेपरेट द एनिमल फ्रॉम द हर्ड एंड ट्रीट इट. ठीक है, अभी देखो एक ही एनिमल को चोट लगी है, एक ही हाथी को चोट लगी है, तो पहले उसको झुंड से अलग करना होगा, क्योंकि वो झुंड उस हाथी को किसी को के बीचों बीच में था, तो उसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसको ट्रीट, उसका ट्रीटमेंट जो होगा वो उसको सेपरेट करने के बाद ही तो होगा, है ना. तो अब क्या होता है, आफ्टर सम डिस्कशन वी हैड अ ब्राइट आइडिया. हमने थोड़ा डिस्कशन किया, हमने थोड़ा ठीक है ऐसे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, और उसके बाद में हमें एक आइडिया आया. क्या था वो आइडिया, था द इंजर्ड एनिमल, ब्राइट आइडिया, इफ़ वी फर्स्ट चेज द हर्ड अवे. अगर हम पहले क्या करें, जो झुंड है उसको पीछा करवाएं, ठीक है उसे आगे ले जाएं, द इंजर्ड एनिमल वुड श्योरली लैग बिहाइंड, तो जो इंजर्ड एनिमल है वो पीछे रह जाएगा, द फ्लीइंग हर्ड, ठीक है, और जो हर्ड है, जो झुंड है, वो वहाँ से भाग जाएगा. एक्सप्लेनिंग आवर प्लान, हमारा प्लान एक्सप्लेन करने पर वी आस्क्ड द असेंबल्ड विलेजर, हमने वहाँ पर इकट्ठे हुए गांव वालों से पूछा इफ़ दे वुड बी एबल टू चेज द हर्ड अवे फ्रॉम द स्पॉट, कि क्या वो उनकी मदद करेंगे वहाँ से उन हाथियों को हटाने में. ठीक है, एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स द चेज स्टार्टेड, और कुछ ही मिनट्स में हम लोगों ने क्या किया, उनको भगाना शुरू कर दिया. ठीक, वी कुड हियर द हर्ड क्रैशिंग थ्रू द फॉरेस्ट, और हम क्या सुन रहे थे, हम सुन सकते थे कि जो हर्ड है वो कैसे फर्स्ट से होकर के, जंगल से होकर के, जंगल में जो भी घास वगैरह उसको कुचलते हुए जा रहा था. द चेजिंग पार्टी शाउटिंग, ठीक है, एंड बोस्टिंग क्रैकर्स टिल द साउंड डाइड अवे इन द डिस्टेंस. चेजिंग पार्टी ने क्या किया, मतलब ये डिसाइडेड, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि कोई भी लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो अपना पीछा करवाएंगे इंटेंटली. ठीक है, इंटेंडेडली वो क्या करेंगे, हाथियों से अपना पीछा करवाएंगे, फिर वो हाथी जब सारे के सारे उनके पीछे भाग जाएंगे तो जो इंजर्ड है वो पीछे रह जाएगा, फिर वो उसको ले जा करके ट्रीटमेंट कर देंगे. समझ आया, तो गांव वाले उसके लिए रेडी हो गए, और गांव वालों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, पटाखे चलाना शुरू कर दिए, जब तक कि वो साउंड जो है वो उसकी आवाज़ मतलब दूर दूर तक चली ना जाए. ठीक है, दूर तक सुनकर कोई मर ना जाए, इतने उन्होंने पटाखे चलाए. ठीक, अब क्या होता है, आवर नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन वॉज टू आस्क द एंथुसियास्टिक विलेजर्स फॉर हेल्प टू लोकेट आर पेशेंट. हमारा अगला प्लान ये था कि हम कुछ जो एंथुसियास्टिक विलेजर्स थे उनकी मदद लेकर के जो पेशेंट है, जो इंजर्ड एनिमल था, उसको क्या करें, एक जगह पर लोकेट कर दें, रख मतलब रख बुला लें या रख लें ट्रीट करने के लिए. ठीक है, आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर और सो, लगभग आधा और पौन घंटे के बाद
टू बॉयज़ केम रनिंग अप एंड टोल्ड अस, दो लड़के भागते हुए आए और उन्होंने हमें बताया कि दैट दे हैड फाउंड द एलिफेंट स्टैंडिंग अलोन, कि उन्हें वो हाथी अकेला खड़ा हुआ मिल गया है जो कि इंजर्ड है, इन वन कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के एक कॉर्नर में खड़ा हुआ। वी सेट ऑफ फॉर द स्पॉट इन आर जीप, ठीक है, हमने क्या किया, हम फटाफट से अपनी जीप में बैठे और हम वहाँ के लिए उस स्पॉट के लिए निकल गए, विद आर टू यंग फ्रेंड्स एज गाइड्स, और हमारे साथ वो दो दोस्त भी थे जिन्होंने हमें आकर के बताया था, तो वो हमें क्या कर रहे थे, गाइड कर रहे थे। अनदर 10 मिनट्स, अगले 10 मिनट में एंड वी वर देयर, हम वहाँ पर पहुँच गए थे। द इंजर्ड एनिमल वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्लाइट एलिवेशन जस्ट अक्रॉस अ डिप्रेशन क्रिएटेड बाई अ ड्राई स्ट्रीम। अब यहाँ पर क्या है, डिप्रेशन, ए पार्ट ऑफ अ सर्फेस लोअर देन द एरिया अराउंड इट, तो जो एनिमल था वो कहाँ खड़ा हुआ था, वो एक हल्के से एलिवेशन पर, एलिवेशन क्या, जैसे कि ये हल्की सी ढलान है, ऊँचा है पार्ट है, वहाँ पर खड़ा हुआ था, जो कि कहाँ थी, एक डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, कोई भी पार्ट जो ज़मीन से थोड़ा सा गहरा हो, ठीक है, तो मान लो ये फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ से हल्का सा ये एलिवेशन गया है और ये डिप्रेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एलिफेंट खड़ा हुआ था, ये एलिफेंट था तुम्हारा, ठीक है, ये खड़ा हुआ था, अभी वहाँ पर क्या था, जस्ट अक्रॉस द डिप्रेशन क्रिएटेड बाय ए ड्राई स्ट्रीम, तो एक यहाँ नाली सी थी, ये जो डिप्रेशन था ये नाली का था, ठीक है, कोई भी खाली सा खाली नाला था जहाँ पर पानी नहीं बहता था वो था, ठीक। लेट जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट वन। सुब्रता वॉज आस्क्ड टू प्रिपेयर हिज सिरिंज, सुब्रता को बोला गया कि वो अपनी सिरिंज को तैयार करे। His experience so far had been limited to tranquilizing mostly monkeys where time was not of the essence, ठीक है, तो उसका जो tranquilizing का जो experience था वो इतना ज़्यादा कम था, ठीक है, कि उसने सिर्फ बंदरों पे ही अपना experience किया हुआ था, वो भी कहाँ पर, जहाँ पर time was not of the essence, जहाँ पर जो time था वो limited नहीं था, time एक important factor नहीं था। अभी यहाँ क्या था, यहाँ animal को separate किया था, है ना, यंग एलिफेंट को सेपरेट किया, अभी उनका हर्ड कितनी कभी भी उनको ढूंढते उसको ढूंढते हुए आ सकता था। बंदरों के साथ क्या था, जब उसने बंदरों को ट्रैंकलाइज किया होगा तो वहाँ पर उनको ट्रैंकलाइज करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी होगी टाइम की, तो टाइम वहाँ पर बाउंड नहीं था, लेकिन यहाँ टाइम एक बाउंड था, तो सुब्रता को जल्दी करनी थी, ठीक है, लेकिन सुब्रता के पास एक्सपीरियंस नहीं था इसका, सो ही हैड देयरफॉर नॉट थॉट ऑफ कीपिंग द सिरिंज रेडी, इसलिए उसने ऐसा सोचा ही नहीं कि वो अपनी सिरिंज को रेडी रखे। शोइंग एडमायरेबल काम, ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने थोड़ी शांति दिखाई, ही स्प्रेड अ क्लॉथ ऑन द ग्राउंड, पहले उसने क्या किया, कपड़ा उठाया बाकायदा बहुत ही प्यार से, उसने उसे ज़मीन पर बिछाया, एंड अरेंज ऑल द मेडिसिन ऑन इट नीटली एंड मैथडिकली, फिर उसने एक एक करके दवाइयों को उस वहाँ पर रखना शुरू किया विधिवत रूप से, ठीक है, टेकिंग ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, उसने पूरी दुनिया का समय ले लिया था, ठीक है, जितना भी समय था दुनिया में सारा समय उसने ले लिया। तो जो सुब्रता था उसको एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे कैसे एनिमल के लिए अगर टाइम फैक्टर है तो कितनी जल्दी किस तरीके से करना हो चाहिए, वो बड़े आराम आराम से सारी चीज़ें कर रहा था। Taking care not to alarm the elephant any further, ठीक है, इतने ज़्यादा आराम से कि उसे कोई सावधानी नहीं कि एलिफेंट को आगे उस क्या है क्या नहीं। We urged सुब्रता, हमने रिक्वेस्ट की सुब्रता से, ठीक है, इन ये मुड़ा हॉर्स विस्पर, ठीक है, क्या है हॉर्स, HORSE, हॉर्स का यहाँ मीनिंग दिया गया है आपका रफ, because of nervousness, तो horse whispers, हमने सुब्रता से धीमी आवाज़ में और थोड़े rude होकर के rough तरीके से हमने उससे request की please जल्दी करे, ठीक है। By that time a small crowd had gathered behind us, तब उस समय तक हमारे पीछे एक छोटी सी भीड़ जो है वो इकट्ठी हो चुकी थी, ready with a battery of advice, ठीक है, और वो तैयार थी। ए बैटरी ऑफ एडवाइस मीन्स क्या है, डिफरेंट आइडियाज़ फ्राम मैनी पीपल, अलग अलग लोग बोलते नहीं, अरे ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर दो, अरे ऐसे नहीं, इसको आगे से ऐसे कवर करना, अरे यहाँ मत बिछाओ, अरे ऐसे मत करो, ठीक है। तो वो जो पीछे बिहाइंड जो पीछे थोड़ी सी क्राउड गैदर हो गया था वो इस तरीके से अपनी अपनी एडवाइस दे रहा था। बाई द टाइम सुब्रता वॉज रेडी, थोड़े ही समय बाद सुब्रता जो है वो तैयार था,
द फ्राइटेंड एलिफेंट हैड बिगन टू मूव लिम्पिंग विजिबली, ठीक है, और डरा हुआ जो हाथी था वो क्या कर रहा था, उसने इधर उधर करना चालू कर दिया, मतलब मूव करना, चलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये लोग उसको क्या कर सकते हैं, हार्म करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा देखा जा सकता था, मतलब क्या है यहाँ पे कि वो इस तरीके से चल रहा था लिम्पिंग विजिबली, कि दूर से ही देखा जा रहा था कि उसको चलने में कितना कष्ट हो रहा है। लिम्पिंग मतलब मूविंग विद डिफ़िकल्टी, ठीक है, तो देखने से ही पता लग रहा था कि उसको चलने में इतनी दिक्कत है, फिर भी वो चलने की इधर उधर कोशिश कर रहा था। टू मैनी साल पोल्स स्टूड बिटवीन अस, साल पोल्स क्या हैं, ट्रंक्स ऑफ दी साल ट्रीज, जो साल का पेड़ होता है उसके कई सारे ट्रंक जो हैं वो हमारे बीच में खड़े हुए थे। एंड द एनिमल फॉर एन एक्यूरेट हिट, और जो एनिमल है वो एक एग्जैक्ट हिट पर था, ठीक है, एग्जैक्ट हिट मतलब एक बिल्कुल एक्यूरेट दूरी पर, निश्चित दूरी पर। सुब्रता विल फॉरवर्ड स्लोली, सुब्रता आगे धीरे धीरे आगे बढ़ा विद हिज डार्ट गन, ठीक है। डार्ट गन क्या है, डार्ट गन अ गन दैट शूट्स एन एरो कंटेनिंग सम मेडिसिन, एक ऐसी गन जिसमें क्या होता है, एक मेडिसिन होती है कोई ना कोई, ठीक है, तो इंजेक्शन वगैरह, उस गन से उस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो सुब्रता बिल्कुल रेडी था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था अपनी डार्ट गन के साथ। एंड आई फॉलो टू प्रोवाइड मोरल सपोर्ट एंड एडवाइस, और मैं भी उसको क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था, जिससे कि उसको मोरल सपोर्ट दे सकूँ और एडवाइस दे सकूँ। मोरल सपोर्ट मतलब एनकरेजमेंट, ठीक है, वर्ड्स के साथ, यस यू कैन डू दैट, दैट इज़ द मोरल सपोर्ट, राइट। सो टुडे वी जस्ट कीप इट टिल हियर, हम इसे यहीं तक रखते हैं। इन आर नेक्स्ट पार्ट वील कवर अप दिस ऑल स्टोरी, हम देखेंगे कि कैसे सुब्रता ने उसको इंजेक्शन दिया, कैसे फिर उन लोगों ने हाथी को ट्रीट किया, उसकी हर्ड ने उनके साथ क्या किया, एवरीथिंग वील सी इन आर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू स्टूडेंट, दिस वॉज दीक्षा, आई एम साइनिंग ऑफ।